हाय गाइस, सो दिस इज़ आर थर्ड वीडियो ऑन नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया एंड इसके लिए मैंने चूज़ किया है गुजरात एंड राजस्थान बिकॉज जनरली आप वहाँ पर ड्राई डेसिडुअस और सेमी एरिड कंडीशंस पाएंगे। तो वहाँ के कुछ ऐसे जानवर आपको मिलेंगे जो कि सिर्फ एरिड और डेजर्ट कंडीशंस में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि कॉमन इंडिया में ऑल थ्रू आउट पाए जाते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विद गुजरात। This is the map. This will show you the sanctuaries and national parks of Gujarat. And first we will do Vail Vadar National Park, जिसको Black Buck National Park भी कहा जाता है। अगर आप देखें, ये Gulf of Cambod के north में आपको दिखेगा। This is the Black Buck National Park, and as I said, Gulf of Cambod on its south. And यहाँ पे आपको semi-arid conditions and generally grasslands आपको देखेंगे। यहाँ पे आपको ब्लैक बक्स मिलेंगे, वुल्फ्स, हाइनास, मैक्विंस बस्टर्ड्स, ये बर्ड्स हैं, लेसर फ्लोरिकन ये भी बर्ड्स हैं, जंगल कैट एंड वाइल्ड पिग्स और वाइल्ड बोर्स। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एक फेमस नेशनल पार्क है जो कि तीन डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, जूनागढ़, सोमनाथ एंड अमरेली डिस्ट्रिक्ट। ये जैसे कि आपको पता है एशियाटिक लायंस के लिए बहुत फेमस है गिर नेशनल पार्क। यहाँ पर 7 मेजर पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल जो कि पूरे साल हमेशा फ्लो करती हैं, दीज आर द रिवर्स, हिरन, शत्रुंजी, दतार्दी, शिंगोदा, मचुंद्री, गोदावरी एंड रावल, ये हैं 7 रिवर्स ऑफ गिर नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक मेजर डैम भी पाया जाता है विच इज़ कमलेश्वर डैम, और उसको लाइफ लाइन ऑफ गिर भी कहा जाता है। यहाँ पे जनरली आपको टीक फॉरेस्ट्स मिलेंगे, टीक एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, एशियाटिक लायंस, गोल्डन जेकॉल्स, लेपर्ड्स, डेजर्ट कैट्स, रस्टी स्पॉटेड कैट्स, स्ट्राइप्ड हाइना, इंडियन कोबरा, इंडियन पाम सिविट, हनी बैजर्स, चीतल, नीलगाय, सांबर, फोर हॉर्न्ड एंटलोप, चिंकारा, वल्चर्स, इंडियन मोंगूज। मेरीन नेशनल पार्क ये गल्फ ऑफ कच्छ में आपको मिलेगा, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये इंडिया का सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क था। यहाँ पर जो मरीन नेशनल पार्क है इसमें 42 आइलैंड्स इन्वॉल्व होकर मरीन नेशनल पार्क बना रहे हैं, जिसमें से पिरोटन आइलैंड सबसे फेमस है। एंड जनरली जितने भी आइलैंड्स हैं वो सब रीफ्स, कोरल रीफ से सराउंडेड हैं। यहाँ पर आपको मरीन लाइफ मिलेगी, स्पॉन्जेस, कोरल्स, जेलीफिश, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, सी एनिमोन्स, ग्रीन सी टर्टल, ऑलिव रिडले, लेदर बैक टर्टल, ब्लू वेल, हम बैक वेल, स्पर्म वेल, वेल शार्क, ग्रेट फ्लेमिंगोज, ड्यूगोंग, सी काओ, ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, बॉटल नोज डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन, हम बैक डॉल्फिन, फिनलेस पॉपॉइस, ऑक्टोपस, स्टारफिश, सी ककुम्बर्स, इनके बारे में बाद में देखें। ये है वानसा नेशनल पार्क नावसरी डिस्ट्रिक्ट में। ये वेस्टर्न घाट्स सहयाद्री रेंज में पाया जाता है वानसा नेशनल पार्क। यहाँ पे भी आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट्स मिलेंगे और बैम्बूज मिलेंगे जिसको कटास कहा जाता है। यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है वो है अंबिका रिवर। यहाँ पे आपको लेपर्ड, रीसिस मकाक, पाम सिवेट, वाइल्ड बो, फ्लाइंग स्क्विरल, हनुमान लंगूर, रस्टी स्पॉटेड कैट, ग्रेट इंडियन स्क्विरल, इंडियन पोक्यूपाइन, बार्किंग डेयर, हाइना, पेंगुलिन, ये सारे जानवर मिलेंगे। नाउ वी कम टू राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले हम आएंगे डेजर्ट नेशनल पार्क पे। डेजर्ट नेशनल पार्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो पूरा इकोसिस्टम है ये थार डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट है ये नेशनल पार्क, और सैंड ड्यून्स इस नेशनल पार्क के 20% एरिया में फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे बर्ड लाइफ आपको बहुत ढेर सारी मिलेंगी, और यहाँ पे आपको एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल्स मिलेंगे जो कि अराउंड 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स होंगे, और इसमें से कुछ कुछ डायनासोर्स के भी फॉसिल्स मिले हैं। यहाँ पे एक बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली एरिया है जिसको सैम सैंड ड्यून्स कहा जाता है। ये सब सैंड ड्यून्स देखने टूरिस्ट लोग आते हैं,
और यहाँ पर एक मैन मेड लेक भी है, गात्सीसार सागर टैंक, जिस जो जनरली रेन फेड लेक है, रेन फेड टैंक है। यहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेगी, जिसका कंजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। ब्लैक बक, डेजर्ट फॉक्स, बंगाल फॉक्स, डेजर्ट कैट, तो ये सब आपको नए नए जानवर दिख रहे हैं। डेजर्ट फॉक्स, बंगाल डेजर्ट कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट्स, ये सब आपको सेमी एरिड कंडीशंस में ही पाए जाएंगे। चिंकारा, ब्लैक बक, हेजहॉग, मॉनिटर लिजर्ड, रसल वाइपर, ये एक काइंड ऑफ स्नेक है, स्पाइनी टेल लिजर्ड, कॉमन क्रेट्स, डेमोसल क्रेन, सैंड ग्राउस, सैंड ग्राउस एक बर्ड है। ख्योलादेव नेशनल पार्क, जिसको पहले भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी कहा जाता था, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट इज़ अ मैन मेड एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड है ये। और यहाँ पर आपको ड्राई ग्रासलैंड्स दिखेंगे, वुडलैंड दिखेंगे, स्वैम्प्स एंड वेटलैंड्स दिखेंगे। और ये ख्योलादेव नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं, जो वाटरफाउल्स हैं, वो माइग्रेट होके आती हैं वर्ल्ड से, और यहाँ पर आकर वो कुछ देर के लिए सेटल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन्स। तो दिस नेशनल पार्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी वाटरफाउल्स। और यहाँ पर एक ट्री पाया जाता है, कदम ट्री, तो साइबेरियन क्रेन, वाइल्ड बोर, चीतल, नीलगाय, सांबर, स्मॉल इंडियन मोंगूज, जंगल कैट, फिशिंग कैट, माइग्रेंट डक्स। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कुछ जानवर हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं सारे वीडियोस में, तो वो ऑल ओवर इंडिया काइंड ऑफ फाउंड किए जाते हैं। और कुछ कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्नो लेपर्ड्स पाए गए थे नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पर आपको डेजर्ट फॉक्स मिलेंगे। रणथंबोर नेशनल पार्क, ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क के नॉर्थ से बानस रिवर गुजरती है और साउथ से चंबल रिवर। इट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। यहाँ पर भी आपको ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट्स मिलेंगे और ओपन ग्रासी मेडोज़ मिलेंगे। और भी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, रणथंबोर पोर्ट यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पर एक लेक भी पाई जाती है, पदम तलाव लेक। इसी लेक के बगल में एक महल है, जोग महल, एंड देर इज़ अ जाइगैंटिक बानियान ट्री, जो कि माना जाता है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बानियान ट्री है। यहाँ पर आपको टाइगर, लेपर्ड, नील गाय, वाइल्ड बोर, सांबर, स्ट्राइप्ड हाइना, स्लॉथ बेयर, चीतल, सदर्न ग्रे लंगूर, रीसस मकैक, ये सब जानवर मिलेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये अलवार डिस्ट्रिक्ट में है एंड दिस टाइगर रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ द अरावली रेंज। यहाँ पर भी आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स मिलेंगे और स्क्रब थॉर्न एरिड फॉरेस्ट्स मिलेंगे, रॉकी लैंडस्केप्स मिलेंगे, क्योंकि अरावली के पार्ट है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रीज़ है धोक ट्री, और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये ऑल्सो इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज जस्ट सच एज कॉपर। और यहाँ पर इलीगल मार्बल माइनिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कंजर्वेशन को लेकर। यहाँ पर भी आपको टाइगर, लेपर्ड, जंगल कैट, कैरकल, स्ट्राइप्ड हाइना, गोल्डन जेकॉल, चीतल, सांबर, हनुमान लंगूर, हेयर, ग्रे पैट्रिज, व्हाइट थ्रोटेड किंग फिशर मिलेंगे। दर्रा नेशनल पार्क, ये कोटा के पास में है, इसको मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और ये जो है, ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से मिलकर ये नेशनल पार्क बना है। विच आर द थ्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर भी आपको पैंथर, स्लॉथ बेयर, वुल्फ, लेपर्ड, चिंकारा, स्पॉटेड डेयर, वाइल्ड बोर, एंटलोप, सांबर, नील गाय, जेकॉल, हाइना, जंगल कैट, सेम एनिमल्स। तो नाउ वी कम टू द एनिमल्स, द एशियाटिक लायन, जो कि गिर नेशनल पार्क में मिल रहे हैं, ये इंडेंजर्ड हैं। दिस इज़ द डेजर्ट कैट, जो कि आपको सेमी एरिड कंडीशंस में ही मिलेंगे। दिस इज़ द कैरकल, ये IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कैट, जो कि सेमी एरिड कंडीशंस में पाए जाते हैं। द डेजर्ट फॉक्स, लीस्ट कंसर्न। दिस इज़ द रस्टी स्पॉटेड कैट, IUCN वल्नरेबल। दिस इज़ द सदर्न ग्रे लंगूर, ये भी लीस्ट कंसर्न।
दिस इज़ द हनी बैजर, ये भी लीस्ट कंसर्न। हनी बैजर्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी, बहुत दे आर वेरी वेल नोन ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर बींग वेरी एग्रेसिव एंड वेरी फियरलेस। ये अगर एक ग्रुप ऑफ लायंस भी इनको अटैक कर दे तो दे अटैक बैक। सो दीज आर वेरी फेरोशियस एनिमल्स, दिखने में लगते नहीं है बट दे आर। दिस इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड दिस इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। साइबेरियन क्रेन विच इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं ये सब। दिस इज द मैक्विंस बस्टर्ड, दिस इज वल्नरेबल। नाउ वी कम टू द मरीन लाइफ। मैंने बाकी सब एनिमल्स नहीं किए हैं, वो मैंने पिछले दो वीडियोज़ में ही उनको कर लिया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ। दिस इज डुगोंग, ऑल्सो कॉल्ड द सी काउ। ये UPSC में कई बार आ चुका है और ये IUCN के हिसाब से वल्नरेबल है एंड इट इज़ अ हर्बीवोरस मैमल जो कि ओशन के अंदर पाए जाते हैं। सी एनिमोन, सी स्पॉन्जेस, जेलीफिश, ये सब बस मैंने आपके नॉलेज के लिए लगा दी हैं। दिस इज़ द ग्रीन सी टर्टल जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है टर्टल की। लेदर बैक टर्टल, ये भी वल्नरेबल है अकॉर्डिंग टू IUCN। हम बैक वेल, लीस्ट कंसर्न। स्पर्म वेल, वल्नरेबल। ऑलिव रिडले सी टर्टल, ये ओडिशा में पाए जाते हैं, इनके नाम आपने बहुत बार सुना होगा। दे आर ऑल्सो वल्नरेबल अकॉर्डिंग टू IUCN। आई थिंक ये ओडिशा के गंजम कोस्ट में पाए जाते हैं, वहाँ पर आके ये अपने एग्स हैच करते हैं। वेल शार्क, IUCN वल्नरेबल। दिस इज़ द बॉटल नोज डॉल्फिन। सो दिस वॉज द होल वीडियो एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट वीडियो में मैं और कई ढेर सारे स्टेट्स कवर कर पाऊँ, स्पेशली नदर्न मोस्ट इंडिया के स्टेट्स लाइक JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। सो मैं इन सब स्टेट्स का एक वीडियो बना दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, प्लीज़ लेट मी नो एंड ओके, टेक केयर, बाय।